नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों गदर टू की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों गदर टू के जो कलेक्शन है कल के और परसों के ऑफिशियल नहीं है, मतलब ऑफिशियल कलेक्शन देना इन्होंने बंद कर दिया। 500 करोड़ के क्लब में एंट्री करने के बाद नहीं पता नहीं क्यों ना तो जी स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियल कलेक्शन आया, ना ही अनिल शर्मा जी की तरफ से कोई पोस्टर जारी किया गया और ना ही दोस्तों तरणादर्श के द्वारा कोई ऑफिशियल कलेक्शन आ रहा है। लेकिन सेग्निल के कलेक्शन को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के द्वारा कलेक्शन लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उन्हीं कलेक्शन के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दूंगा आज के जो कलेक्शन की है। लेकिन दोस्तों उन्हें भी जो प्रोड्यूसर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कलेक्शन जारी करें, कलेक्शन जारी क्यों नहीं कर रहे, अभी फिल्म के कलेक्शन इतने भी नहीं गिरे हैं कि आप कलेक्शन जारी करना ही बंद कर दो। इतने दिनों के बाद तो सभी फिल्मों के कलेक्शन गिरते हैं और अभी तो जन्माष्टमी है, कई जगह आज भी मनाई जा रही है, कई जगह कल भी मनाई जाएगी, फिर दोस्तों सैटरडे और संडे है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है गदर टू के पास कलेक्शन जारी करें और अपने प्रशंसकों का उत्साह बनाए रखें। अगर ऑफिशियल कलेक्शन आप जारी नहीं करेंगे तो फिर वो उत्साह वो नहीं रहता है जो कि रहना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई स्कीम लेके आनी चाहिए इनको कि जैसे एक टिकट पे एक फ्री, उस तरह की कोई एक जन्माष्टमी के लिए संडे तक की एक और नई स्कीम लेकर के आए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेकर्स के दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या वो 500 करोड़ के क्लब में गदर टू आ गई इससे खुश हो गए हैं और अब आगे से कोई उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, या कोई दबाव है उनके ऊपर कि वो पठान का कलेक्शन नहीं तोड़ सके, क्या कुछ है पता नहीं। ये तो हकीकत तो भगवान ही जाने, मैं भी नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, डेट 25 का 2.50 करोड़ का कलेक्शन आया था, डेट 26 का 2.60 करोड़, कल ज्यादा आया, थोड़ा सा 4% की बढ़ोतरी हुई है कलेक्शन में, तो टोटल मिलाकर के 506.27 करोड़ का कलेक्शन हो गया 26 डेज का। और मैं ऑफिशियल आ जाएगा तो आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें बात करूंगा क्या पता आज जारी करते दोनों दिनों का मिलाकर के ऑफिशियल कलेक्शन का एक पोस्टर हमें देखने को मिले आज, साथ ही कोई स्कीम भी देखने को मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई स्कीम आ जाए कि एक टिकट पे एक फ्री जैसी जन्माष्टमी से लेकर के संडे तक की। जहां तक कल की थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओवरऑल 13.25% थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, मॉर्निंग शो में 9.03%, आफ्टरनून में 14.3%, इवनिंग शो में 13.73% और नाइट शो में 15.79%। अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी थी कल, ऐसी बात नहीं, परसों से अच्छी थी। और दोस्तों अभी शोज भी अच्छे है गदर टू के पास, दिल्ली में 311 शो अभी भी, और दोस्तों मुंबई में 535, मुंबई में 311 और दिल्ली एनसीआर में 535 है, पुणे में 118 है, तो ठीक है शो अभी उतने कम नहीं हुए शो दोस्तों अभी भी है और कल भी रहेंगे शो, कल जवान रिलीज हो रही है, कल भी शो रहेंगे, इनमें से थोड़े कम और होंगे लेकिन इतने शो रहेंगे कि आराम से अच्छा कलेक्शन कर सके गदर टू। केवल फिल्म देखने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है। और आपको बता दूं बड़े बड़े थिएटर्स में गेटी गैलेक्सी जैसे बड़े बड़े थिएटर्स हैं, वहाँ पे गदर टू के लिए आज के लिए भी शो, कल के लिए भी शो, संडे तक शो है, तो शो आप टिकट बुक करा सकते हैं, देख सकते हैं आप। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से फिल्म एक नया रिकॉर्ड 550 करोड़ तक पहुंचे, इसकी कोशिश मेकर्स को करनी चाहिए लगातार, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो वो दोस्तों आपको बता दूं 25 डेज का जो इंडिया ग्रोस है वो 594.5 करोड़ हो गया है, और दोस्तों जो ओवरसीज से 64.5 करोड़ का कलेक्शन आया है, और वर्ल्ड वाइड 659 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है जो मैंने आपको दी है। तो आज जहां तक आज की बात करें तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है वो 2.40 करोड़ की आ रही है कि 2 करोड़ 40 लाख के आसपास कलेक्शन फिल्म आज करेगी, तो ठीक है, फिल्म का ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा, लगभग एक स्टडी कलेक्शन फिल्म का अभी भी आ रहा है। तो अगर 2 करोड़ 40 लाख भी मैं इसमें ऐड कर दूं तो 508.67 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा, 509 करोड़ मानिए आप, इसे ज्यादा जा सकता है आज, क्योंकि दोस्तों कई जगह जन्माष्टमी भी है आज, तो फिर कल फिल्म धमाका करेगी, जबरदस्त धमाका करेगी ये फिल्म, काफी शोज है फिल्म के पास अभी की, बड़ा बवाल ये कल कर सकती है कल, और कल इसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए 511 करोड़ का, डेफिनेटली टूटेगा, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और फिर दोस्तों आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे इतना कलेक्शन फिल्म करेगी कि आराम से 524 करोड़ का जो रिकॉर्ड है पठान का, हाईएस्ट एंट्री कलेक्शन का, वो भी टूट जाएगा। रिकॉर्ड की खाली 544 वाले की है थोड़ा सा प्रॉब्लम कि वहाँ तक फिल्म टिके या नहीं टिके, स्क्रीन्स मिले या नहीं मिले, क्योंकि जवान बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा शोज के साथ रिलीज हो रही है। लेकिन मेकर से गुजारिश है कि आप लगातार फिल्म के पोस्टर जारी करें, कलेक्शन बताए, और गदर टू इतने नज़दीक पहुँचे रिकॉर्ड के तो उस रिकॉर्ड को तोड़े और प्रयास करें, कोई स्क्रीन्स लेकर के आए। खैर अगले वीडियो में बात करेंगे, शायद आज ऑफिशियल कलेक्शन आ जाए, नहीं भी आए तो भी आज के पूरे कलेक्शन के बारे में अभी एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, और शाम का वीडियो, शाम वाला वीडियो तो आपके लिए आना ही आना है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।